ओके सो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ उमैद तबासी एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। सब कैसे हैं, लेट मी नो। सो भाई, इन्फिनिक्स ने रिसेंटली लॉन्च कर दिया है उनका इन्फिनिक्स 020 पाकिस्तान मार्केट्स में, और ये फ़ोन जो है ये ऑलमोस्ट 57,000 रुपये के प्राइस में लॉन्च हुआ है। अब ये जो प्राइस कैटेगरी होती है ना, ये थोड़ी सी अपर लेवल की प्राइस कैटेगरी होती है, मतलब अपर मिड रेंज की होती है, और पाकिस्तान में इस प्राइस पॉइंट को भी काफ़ी ज़्यादा समझा जाता है, और इतने पैसे भी एक गरीब बंदे के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज की वीडियो में इसी वजह से मैं इस फ़ोन का एक मतलब इसकी स्पेसिफिकेशंस को एक बताऊंगा आपको थोड़ा सा, और एंड पे एक रिव्यू दूंगा अपना, कि मतलब ऑनेस्ट थॉट रिव्यू दूंगा कि ये फ़ोन आपके लिए है या नहीं, आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि क्लेम्स काफ़ी बड़े बड़े इस फ़ोन के अंदर, मतलब 60 मेगापिक्सल का OIS EIS फ्रंट कैमरा, दुनिया का फर्स्ट कैमरा जो इन्फिनिक्स क्लेम कर रहा है, एंड बैक साइड पर भी आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। उससे पहले अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली फॉलो करें। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन दिस। ओके जनाब, तो डिस्प्ले को लेके बात की जाए तो यहाँ पे 6.67 इंचेस का एक AMOLED स्क्रीन आपको देखने को मिलती है, जो ड्यू ड्रॉप नॉच के अंदर है, एंड 90Hz का डिस्प्ले यहाँ पर, ठीक है। अब इस डिस्प्ले को देख कर मुझे लगा कि इन्फिनिक्स ने थोड़ी डंडी मारने की कोशिश की है, क्योंकि ये एक ड्रॉप जो ड्यू ड्रॉप वाला डिस्प्ले होता है ना, नॉच डिस्प्ले वो है, और ये वही डिस्प्ले जो इन्फिनिक्स नोट 11 में भी यूज़ किया था, जो 25 से 30 हज़ार में मिल जाता है। इनको चाहिए था भाई कोई अच्छा डिस्प्ले यूज़ करें, मतलब डिस्प्ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस प्राइस में 90Hz भी वर्थ नहीं करता, 120Hz तक मिलता है इस प्राइस के अंदर। बाकी ये डिस्प्ले ठीक ठाक है, कलर वगैरह अच्छे हैं, और मतलब इट्स ऑल ओके। और यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो हीलियो के G99, जो कि 8256 के साथ आ रहा है, जो हीलियो G96 से स्लाइडली बेटर है, 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। प्रोसेसर ठीक ठाक है, आप इस पर गेमिंग वगैरह हर चीज़ अच्छी कर सकते हैं, तो प्रोसेसर अच्छा है, आप इस पर अच्छी गेमिंग भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिज़ाइन की, जो अच्छा है और काफ़ी प्रीमियम भी है। मगर इस डिज़ाइन को देख कर शायद आपको भी कोई चीज़ ऐसी लग रही हो जो मुझे लग रही है, ये ओप्पो F21 Pro से काफ़ी हद तक छापा हुआ लगता है। अब यार आप एक 57,000 रुपये का फ़ोन निकाल रहे हो, उसकी अपनी आइडेंटिटी तो होनी चाहिए ना, किसी दूसरे से फ़ोन से छापा तो नहीं होना चाहिए ना। डिज़ाइन बस बहुत अच्छा है, लेकिन वही एक फैक्टर आ जाता है कि भी ये कॉपीड है, और मतलब मज़ा नहीं किया मुझे उसने ना कॉपी वाली चीज़ें जब मैंने देखा कि ये कॉपीड है। और 45W की फास्ट चार्जिंग भी आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड करवाई जा रही है, और बैक पे 108 मेगापिक्सल कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का, फ्रंट पे 60 मेगापिक्सल की सेल्फी है। अब ऑनेस्ट थॉट है सेल्फी के बारे में, जो प्रोडक्शन लेवल पे इन्होंने इसका एड बनाया ना, जो खानू भाई के साथ, हमज़ा भाई के साथ, हमज़ा रानमज़ा साहब एंड वासिफ भाई के साथ, वैसे भी तीनों ही बहुत ही अलग किस्म के कंटेंट क्रिएटर हैं, इनके साथ मिलकर जो इन्होंने एक ऐड तैयार किया ना भाई, माइंड ब्लोइंग एड मैं कहता हूँ। आधा दर्जे का सोनी का कैमरा यूज़ करके इन्होंने प्रोडक्शन किया है, और एक फ़ोन को दिखा रहे हैं ये, और एक फ़ोन के कैमरा को भी बीच में इन्होंने दिखाया। अब जितने भी रिव्यूज हैं ना, वो ऐसे फ़ोन को पकड़ के रिव्यू कर मतलब वो व्लॉग कर रहे हैं, ठीक है। पहली तो बात है, ये जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, ये फ़ोन का यूज़ नहीं करते व्लॉग करने के लिए, ये यूज़ करते हैं अपना बहुत ही हाई एंड कैमरा। बाहर देखो, जो करता भी है ना, वो बैक कैमरा से व्लॉग करता है ऐसे करके, ठीक है। अब बैक कैमरा से लोग व्लॉग क्यों करते हैं, क्योंकि बैक कैमरे की क्वालिटी अच्छी होती है, और जब आप बैक कैमरे से व्लॉग करो तो आप ऐसे करके फ्रंट मतलब बैक से जो व्लॉग करो तो बैक को फ्रंट करके आप बैक से भी फोटेज दिखा सकते हो। यूजुअली कैमरा में उसको फ्लिप करने का ऑप्शन नहीं होता नॉर्मल कैमरा से, और लोग नॉर्मल कैमरे से शूट करते हैं या फिर ओपन कैमरा से शूट करते हैं। तो ये होता है, ये रियलिटी है। फ्रंट पे इन्होंने 60 मेगापिक्सल के साथ OIS और EIS डाला है, जिसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं जितनी इन्होंने वीडियो में दिखाई, मतलब वीडियो में तो बहुत ही अलग दिखाने की कोशिश की, मतलब उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है उसके फ्रंट कैमरा की। और सीधी सी बात है भाई, मुझे फ्रंट कैमरा की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, मैं सिर्फ IG स्टोरीज बनाने के, इंस्टाग्राम की स्टोरीज बनाने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए फ्रंट का यूज़ करूँ, तो कोई मतलब प्रोफेशनल काम के लिए बैक ही यूज़ होता है, फ्रंट यूज़ नहीं होता। बाकी अगर आप सेल्फीज़ वगैरह लेते हैं या फ्रंट से अच्छी वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, तो फ्रंट इज़ गुड, मतलब आपके लिए अच्छा कैमरा हो जाएगा फ्रंट इसका, ठीक ठाक है। और बैक भी खास नहीं, मैं कहूँगा ठीक ठाक कैमरा है। अब नंबर गेम है, नंबर्स पे मत जाना कि 60 मेगापिक्सल तो बहुत अच्छा होगा या 108 मेगापिक्सल तो बहुत अच्छा होगा। एप्पल ने अब जाके 48 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ किया अपने आईफोन 14 सीरीज़ के अंदर, तो आई वुड से कि नंबर पे बिलीव करना चाहिए आपको, आपको कैमरा टेस्ट करना चाहिए, कैमरा अच्छा है बुरा है, मतलब यूट्यूब पर देखनी चाहिए रिव्यूअर्स के कैमरा टेस्ट, तो आपको पता लगेगा। बाकी ये कि मिक्स थॉट्स एंड ओपिनियन है, मेरा जो एक फाइनल ओपिनियन जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि 57,000 रुपये की प्राइस के अंदर आई वुडेंट रेकमेंड दिस फ़ोन। मतलब क्यों, क्योंकि 57,000 एक बहुत बड़ी प्राइस ब्रैकेट होती है, और इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर मैं बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन ख़रीद सकता हूँ, स्पेशली यूज्ड मार्केट के अंदर। सैमसंग के S10 प्लस है, लाइक A52 भी मिल जाता है इस प्राइस के अंदर सैमसंग का, और बहुत सारे फ़ोन हैं, वन प्लस के फ़ोन हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं इस प्राइस के अंदर। मैं कभी भी इस ऑप्शन में नहीं जाऊँगा, थोड़े पैसे डाल के
रियलमी का GT मास्टर एडिशन ले सकते हो। तो आई वुड से कि ये फ़ोन आप ले सकते हैं इफ़ यू आर फाइंडिंग अ गुड न्यू फ़ोन। अदरवाइज़ फ़ोन ठीक ठाक है, स्पेक्स पे अच्छे हैं, लेकिन आई वोंट स्पेंड अ प्राइस ऑफ 57,000 ऑन अ इन्फिनिक्स फ़ोन। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स एंड मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।